फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से कैसे फर्स्ट एड दिया जाता है और क्या आपका रेस्क्यू ऑपरेशन है, कैसे आप उसको रेस्क्यू करेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए जो लोग फ्रेंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फर्स्ट एड जब इलेक्ट्रोक्यूट होता है कोई पर्सन, अगर इलेक्ट्रोक्यूट चाहे फैक्ट्री में हो, कोई घर में हो, कहीं पे भी होता है, तो फर्स्ट एड आपको क्या करना है ना, पहले तो आपको आदमी को फर्स्ट मेक द सेफ, जो विक्टिम है, जो अफेक्टेड हो उसको पहले सेव करना है। पहले आपको जम्पर ऑफ करना है, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ करना है। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो ऐसे आपको आपका पास कोई नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स से आप उसको क्या है जो इलेक्ट्रोक्यूट है, जो तार वायर है और कोई भी चीज़ है, तो उसको पहले अलग करना है, उसको टॉर्च से अलग करना है। सेकेंड क्या है, ए बी सी रूल्स को आपको फॉलो करना है। ए मीन्स एरो, उसका जो उसका चीन को यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है, वहाँ पे दो अंगुली से उसको चीन को आप करना है, आप करके उसका एरो को क्लियर करना है, उसका एरो को क्लीन मतलब प्रॉपरली उसको। अगर क्या होता है नॉर्मली इलेक्ट्रोक्यूटेड होने से क्या होता है, उसका अनकॉन्शस हो जाता है, तो अंदर में जो ब्लड जो एयर सर्कुलेशन उसको नॉर्मल करने के लिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल करने के लिए आपको ए बी सी रूल्स फॉलो करना है। ए मतलब एयरवे, आप चीन को ऐसे दो अंगली से चीन को ऊपर करना है तो एयरवे क्लियर हो गया। ब्रीदिंग उसके बाद आपको देखना है उसमें उसके ब्रीदिंग चल रहा है, मतलब उसको सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है सी, ए बी सी, सी मतलब सी पी आर, उसको बाद सी पी आर देना है। सी पी आर क्या होता है ना, सी पी आर एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग आपको देना है, तो ये इसका एक प्रोसेस है, 30:2 रेशियो में आपको ये सी पी आर देना है। सी पी आर देने के लिए आपको क्या करना है ना, पहले आपको उसका मुंह में कोई भी पहले आपको क्लीन करना है, कोई भी गुटखा तम्बाकू कुछ भी रहता है उसको क्लीन करना है। उसके बाद आपको चेस्ट है जहाँ पे वो स्टर्नम, अब दोनों स्टर्नम अटैच हुआ है, उस एरिया में आपको 2 इंच नीचे आपको हाथ से प्रेशर देना है और 13:2 मतलब 30 प्रेशर देना है और 2 बार उसको सांस देना है। तो ऐसे आपको सांस दे के ऐसे प्रेस देना है, कंप्रेस करना है और सांस देना है, ऐसे 30:2 रेशियो में उसको सी पी आर देना है। तो उसके बाद उसको सांप जब तक वापस नहीं आता है, सांस नॉर्मल नहीं होता है, तो उसको सी पी आर देना है। उसके बाद आपको इमीडिएट क्या है, आपको हॉस्पिटलाइज करना है, तो इमीडिएट उसको ट्रांसफ़र करना है हॉस्पिटल में। तो ये है आपका फर्स्ट एड इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक में अगर कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक होता है तो उसको कपड़ा, उसका जो क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक होने से इंटरनल बर्न होता है, तो उसको कपड़ा को कभी अलग नहीं करना है। जैसे ऐसे कंडीशन में ओनली आपको सी पी आर देना है, उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले करना है। तो फ्रेंड्स और क्या है ना, इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी होता है उसको पहले आपको प्रिपेयरनेस करना है, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना है, तो पहले क्या करना है आपको, इमरजेंसी एग्जिट को आपको डिमार्केशन करना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले करना है, इनकेस ऑफ इमरजेंसी तो वो कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करेगा, और इमरजेंसी लाइटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट एड आपको रखना है, फर्स्ट एड बॉक्स रखना है, फर्स्ट एड कॉन्टेंट रखना है, इमरजेंसी लाइट रखना है, इमरजेंसी कोई भी अगर लोड सेटिंग होता है तो आपको लाइट इस्तेमाल करना है, और क्या है आपको जो एम्बुलेंस है एम्बुलेंस का कॉन्टैक्ट नंबर चाहे तो एम्बुलेंस आपको रख सकता है और एम्बुलेंस का कॉन्टैक्ट नंबर रहना है, और क्या है ना आपको स्ट्रेचर रखना चाहिए, फर्स्ट एड जो बॉक्स है वो अवेलेबल होना चाहिए, वो अपडेट होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए और ट्रेन होना चाहिए, सबको ट्रेन होना चाहिए, और आपके पास रख सकता है जॉयस्टिक बा रेस्क्यू स्टिक, अगर इनके सब इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है, एक रेस्क्यू नॉन कंडक्टिव रेस्क्यू स्टिक आता है, तो वो उसकी स्टिक से आप जो विक्टिम है उसको आप कॉन्डक्टिंग मतलब कॉन्डक्ट वायर से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यह है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। तो फ्रेंड्स थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके।